हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो लेक्चर नंबर 12 के कई सारे पार्ट्स में से ये एक पार्ट है जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स के डिफरेंट यूजेस समझेंगे। चलिए देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स को और किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म का नाम लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स। आपने एक यूज़ तो देखा है टेक्स्ट बॉक्स का, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये इसके दूसरे यूज़ है। चलिए, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लिस्ट बॉक्स की। यहाँ से एक लिस्ट बॉक्स लेते हैं अपने फॉर्म का। अब हमें बटन चाहिए। चलिए इस बटन का नाम चेंज कर लेते हैं और लिखते हैं ऐड टू कार्ड। चलिए मैं थोड़ा स्टाइल का चेंज कर लेता हूँ। का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। चलिए बटन का बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि इसका लुक थोड़ा अच्छा लगे। अब चलिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। अब हमें बस कोडिंग विंडो खोलनी है बटन पर डबल क्लिक करके। यहाँ पर मैं एक कोड लिखता हूँ जिसकी मदद से हम जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे बटन पर क्लिक करने के बाद वो आइटम लिस्ट बॉक्स के अंदर एज आइटम सेव हो जाएगा। चलिए उसके लिए कोडिंग करते हैं। लिस्ट बॉक्स 1.item.add ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1.text। दोस्तों बस इसका एक लाइन का कोड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिखेंगे वो सारा कंटेंट बटन पर क्लिक करने के बाद लिस्ट बॉक्स के आइटम्स में एक एक करके ऐड होता रहेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर मैं जो भी आइटम लिखूंगा वो कार्ट के अंदर हमारे ऐड हो जाएगा, लिस्ट बॉक्स के अंदर ऐड हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं बुक। मैंने बटन पर क्लिक किया और वो लिस्ट बॉक्स के अंदर एज आइटम सेट हो गया। चलिए यहाँ कुछ और लिखते हैं। देखिए बुक और ब्रश दोनों बटन पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स से लिस्ट बॉक्स के अंदर एज ए आइटम ऐड हो चुके हैं। चलिए एक और ऐड करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी एंटर करते हैं
बटन पर क्लिक करने के बाद वो लिस्ट बॉक्स के अंदर ऐड हो जाता है। हम आने वाले और लेक्चर वीडियोस में सीखेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच।